नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। ऋषभ पंत ने पकड़े पारी में 6 कैच, धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी। गौतम गंभीर को मिला गॉड ऑफ ऑनर, पैर छूने मैदान में पहुंचे फैंस। हॉकी वर्ल्ड कप में कनाडा को हरा सीधे क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए उतरेगा भारत। प्रो कबड्डी लीग 2018 में पटना पायरेट्स का शानदार प्रदर्शन, पुनेरी पल्टन को 53-36 से दी करारी मात। कोहली ने तोड़ा सर डॉन ब्रेडमैन का ये खास रिकॉर्ड, निकले दुनिया में सबसे आगे। अब खबरें विस्तार से। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने शनिवार को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच में 21 वर्षीय विकेटकीपर ने कुल 6 कैच पकड़े। ये किसी टेस्ट मैच की पारी से सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी है। पंत ने 3 कैच मैच के तीसरे दिन पकड़े। पंत ने तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मिशेल मार्श का कैच पकड़ा। इसके बाद उन्होंने ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड को मोहम्मद शमी की गेंद पर लपका। धोनी ने 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच की पहली पारी में ये मुकाम हासिल किया था। एक पारी में सबसे ज्यादा कैच करने का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड पाकिस्तान के वसीम बारी, इंग्लैंड के बॉब टेलर, न्यूजीलैंड के इयान स्मिथ और वेस्टइंडीज के रिडली जेकब्स के नाम हैं। इन सब ने पारी में 7 कैच पकड़े थे। गंभीर दिल्ली रणजी टीम के लिए अपने करियर का आखिरी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच ये मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जा रहा है। ये गंभीर का होम ग्राउंड भी है और उन्होंने यहीं से क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत भी की थी। गंभीर जब दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्हें खिलाड़ियों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। 154 गेंद पर गंभीर 92 रन बनाकर नॉट आउट लौटे और दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। मैच के तीसरे दिन गंभीर ने सेंचुरी ठोकी। मेजबान भारत शनिवार को पूल सी के आखिरी मैच में कनाडा को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने उतरेगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से होगा। इससे पहले पूल सी के अन्य मैच में बेल्जियम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दुनिया की 5वें नंबर की टीम भारत पूल सी में 4 अंक लेकर शीर्ष पर है। वहीं ओलंपिक रजत पदक विजेता बेल्जियम के भी 4 अंक हैं। लेकिन भारत का गोल एवरेज बेहतर है। पूल में अब भी सभी टीमों के लिए दरवाजे खुले हैं, लिहाजा मेजबान टीम कोई कोताही नहीं बरतते हुए जीत दर्ज करके सीधे अंतिम 8 में पहुंचना चाहेगी। दूसरे और तीसरे स्थान की टीमें दूसरे पूल की दूसरी तीसरी टीमों में क्रॉसओवर खेलेंगी, जिससे क्वार्टर फाइनल में बाकी 4 स्थान तय होंगे। विशाखापट्टनम में चल रहे प्रो कबड्डी लीग 2018 में कप्तान प्रदीप नरवाल के रिकॉर्ड 27 अंकों से दम पर मौजूदा चैंपियन पटना पायरेट्स ने प्रो कबड्डी लीग PKL के 6ठे सीजन के इंटर जोन चैलेंज मुकाबले में शुक्रवार को पुनेरी पल्टन को एक तरफा अंदाज में 53-36 से करारी मात दी। पटना की टीम यहां गाची बावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले 20 मिनट में 24-19 से आगे थी। टीम ने दूसरे हाफ में भी गजब का प्रदर्शन करते हुए पुनेरी को चारों खाने चित कर दिया। 3 बार की चैंपियन पटना की इस सीजन में 17 मैचों में ये 9वीं जीत है। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन इतिहास रच दिया। कोहली ने इस टेस्ट मैच में सर डॉन ब्रेडमैन के एक बेहद ही खास रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली ने एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया में अपने 1000 टेस्ट रन पूरे किए। इस उपलब्धि को हासिल करते ही वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे तेज 1000 टेस्ट रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। हमारी खास खबरों में आज इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।